गणित की सीरीज पढ़ रहे थे, गणित की सीरीज में हम लोग को लाभानी पढ़ना था। लाभानी कैसा अध्याय है, जहाँ से किसी भर्ती परीक्षा की बात करें वहाँ से लाभानी के प्रश्न प्राय पूछे जाते हैं, खासकर जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस परीक्षा में तो सबसे ज्यादा प्रश्न आने की उम्मीद रहती है, सबसे ज्यादा मतलब एकाध प्रश्न तो हर लेसन से आते हैं। लेकिन आज का जो हमारा सवाल है, जो आज हम लोग को टॉपिक पढ़ना है, वो ये है कि कभी कभी दुकानदार किसी वस्तु के दाम में कमी करता है तो वस्तु तेजी से बिकने लगती है, कभी कभी कमी करता तब भी नहीं बिकती, उस दशा में उसकी जो इनकम होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर एक कंडीशन आता है कि जब दुकानदार किसी वस्तु का जो मूल्य होता है उसे खूब बढ़ा देता है तो उसकी बिक्री कम हो जाती है, तब उसके जो लाभ है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी जो कुल बजट है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक कंडीशन और होता है कि दुकानदार दाम बढ़ाता जाता है, सामान भी नहीं बिकता है, और बढ़ाता है तो बिकता जाता है। इस कंडीशन में जो दुकानदार की पूरी टोटल इनकम होती है उस पर उसको क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, यह बात हम लोग को जानना है, यही बात हम लोग को पढ़ना है, सभी लोग को पढ़ना है और हमें स्कोर करना है। तो जो आप लोग सबसे पहला काम, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और अब हम शुरू करते हैं आपकी प्रश्न को। सारा खेल जो होगा वो क्रय मूल्य पे होगा, और मैंने प्रारंभ में बताया है कि बिना किसी सूत्र बिना किसी फॉर्मूले को हम नहीं पढ़ेंगे। मैंने कोई सूत्र नहीं यूज करना है, कोई फॉर्मूला नहीं यूज करना है, केवल गणित पढ़ाते चलो। तो जब सूत्र फॉर्मूला नहीं यूज करना है, गणित ही पढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं हमारे आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग सा लगता है। आइए चैलेंज को खत्म करते हैं और अध्याय की तरफ अग्रसर होते हैं। जहां पे क्रय मूल्य नहीं दिया गया वहां सदैव सोमान है। बात को गौर समझते चलिएगा, यहीं से आपकी कहानी शुरू हो रही है। जब क्रय मूल्य कुछ न दिया गया हो तो वहां पे क्रय मूल्य हमेशा सोमान, और अगर उसमें मूल्य बढ़ाया तो 100 प्लस हो गया, मूल्य में कमी किया 100 से माइनस हो गया। माने जैसे एक दुकानदार ने 20% वस्तु के मूल्य में बढ़ा दिया, तो जैसे वो 20% बढ़ाता है वैसे वस्तु 120 की हो जाती है। अब वो 10% ही कमी किया, 10% कमी किया तो 10 कम हो जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने, आप लोगों ने देखा कि कैसे 110 हो गया, कैसे वो 90 हो गया। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझकर, इसी थ्योरी को समझकर हमें गणित में स्कोर करना है, आपको गणित में स्कोर करना है। यही चीजें जो आप पढ़ रहे हैं इसी के आधार पर सारे तथ्य सारे कॉन्सेप्ट हमें और आपको पढ़ने हैं। तो चलिए आप लोग बिना रुके शुरू करते हैं, प्रश्न लिखिए। बात समझ गए ना, जैसे क्रय मूल्य अगर कुछ नहीं दे, क्रय मूल्य हमेशा सौ माना जाता है, मूल वृद्धि माने 100 से ज्यादा, कमी माने 100 से कम, इतनी बातें आपको याद रखनी चाहिए, बाकी सब कुछ एकदम आसान है। लिखिएगा, एक दुकानदार एक टीवी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी, 20% की वृद्धि कर दी, जिससे टीवी की बिक्री में 10% की कमी आई, 10% की कमी आती है। इस प्रकार दुकानदार के आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दुकानदार की जो आय है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। मतलब एक दुकानदार टीवी के मूल्य में 20% की वृद्धि करता है, कितने की, 20% की वृद्धि करता है, सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, फॉर्मूला नहीं यूज करना है, तो टीवी कितने की थी ये तो मूल्य पता ही नहीं। जब टीवी का मूल्य आपको नहीं पता है, दुकानदार बेच रहा है, उस दशा में हम कह देंगे कि माना टीवी 100 रुपए का, कितने का, 100 का। तो यहाँ पे हमने माना कि टीवी 100 की थी, कितने की थी, टीवी 100 रुपए की थी। जब टीवी 100 रुपए की थी तो दुकानदार ने टीवी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी, और जब 20% की वृद्धि कर दी तो टीवी कितने का बिकेगा, 120। फिर कह रहा है, अगली लाइन कह रहा है ठीक उसके बाद, कि जब वो 20% की वृद्धि करता है तो टीवी की बिक्री कम हो जाती, कितना कम, 10% कम। तो जब 10% कम होगी तो क्या होगा,
90 हो जाएगा, तभी हो जाएगा 90/100। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 90/100। ये 100/100 से पूरा क्लियर हो गया। ठीक, दूसरा यह लड्डू इससे, यह लड्डू, अब ऊपर क्या बचा है? 12×9। हम लिखेंगे 12×9, तो 12×9=108। अब हमें ये बताइए आप कि जब 100% था 108 हो गया, तो वृद्धि हुई या कमी? देखिए पहले कुछ नहीं पता था, हमने 100 मान लिया, अब वृद्धि होती है या कमी? अब आप बताइए कि हाँ वृद्धि हुई या कमी? तो आपने देखा वृद्धि हुई, कितना वृद्धि हुई? 100 से ज्यादा है कम? ज्यादा। कितना ज्यादा? 8। इसका उत्तर होगा +8। क्या हो जाएगा? +8%। प्लस का मतलब ये उसका पॉजिटिव दर्शाता है, ये उसका लाभ दर्शाता है। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि बिना फार्मूले के हम लोगों ने टॉपिक को पढ़ लिया। अब अगला सवाल लिखिएगा, आगे लिखिएगा प्रश्न। एक दुकानदार एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी करता है। एक दुकानदार एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी करता है, माने 100 में से 20 कम कर देता है, और उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है, और उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार दुकानदार के आय पर क्या प्रभाव, दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आराम से जवाब दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं इस तरह के प्रश्न को आप बेहद आसानी से, बहुत ही आसान तरीकों से आप इसे लगाएंगे, आप इसे समझेंगे, ताकि भविष्य में ऐसे प्रश्न आपके सामने आए तो वहां से गलतियां ना। चलिए देखते कैसे। माना वस्तु कितने की थी? 100 की थी। जहां कुछ नहीं देता वहां पे 100। मूल्य में कितनी कमी किया? 20% था। 20% की कमी होगी, जब 20% की कमी होगी तो क्या करेंगे? 80/100। फिर बोले जब 20% बिक्री कम, मूल्य कम होता है तो बिक्री उसकी बढ़ जाती है, कितना? 20%। तो क्या लिखेंगे? 20/100। क्लियर। अब आगे देखते हैं। अब यहां पे हमने ये देखा कि ये 100/100 से क्लियर कट गया, ये लड्डू इससे, यह लड्डू 12×6। अब हमें ये बताइए ये 100 से ज्यादा है या 100 से कम? 100 से ज्यादा है या 100 से कम? तो आप समझ पाते हैं, देख पाते हैं, जान पाते हैं कि ये तो 100 से कम है। कितना कम? 4% कम। अरे 4% कम है ये कितना हो जाएगा? योगा माइनस है, 100 से कम है तो भैया ये यहाँ पे दुकानदार की जो आय है उसमें 4% की कमी, माने उसकी जो इनकम थी वो 4% का नुकसान, 4% का घाटा। कोई फार्मूला हमने नहीं यूज किया, आपने कोई फार्मूला नहीं यूज किया, बस हम लोगों ने एक तार्किक क्रम जिस क्रम से लगा रहे थे उसी क्रम से आगे बढ़े, हम लोगों को कितना कुछ सीखने को मिला। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको नहीं है? अगला सवाल, एक दुकानदार एक वस्तु के मूल्य में 30% बढ़ाकर अंकित करता है। एक वस्तु के मूल्य में 30%
बढ़ाकर अंकित करता है, जिससे उसकी बिक्री में बीस प्रतिशत की वृद्धि भी हो जाती है, 20% की वृद्धि भी हो जाती है। इस प्रकार दुकानदार की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जो लोग भी लाइव है, ये क्लास लाइव चल रही है, हम और आप लाइव पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को देखिएगा, समझ में आए तो लोगों को बताइएगा, अन्यथा नहीं बताइएगा। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिएगा। और टेलीग्राम पे आप दुर्गेश सर सर्च कर, इलानिक दुर्गेश से जुड़िएगा, ठीक। और ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लास संबंधित कोई भी जानकारी यहाँ पे व्हाट्सएप करके आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, इस सवाल को हम हल करते हैं। आपने जवाब नहीं दिया अभी तक, जो भी लाइक थे आप लोग सवाल का जवाब भी दे दो। चलिए जब सवाल का जवाब देते हैं तब हमें भी समझ में आता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आता, ठीक। और जब तक आप उसे हल नहीं करेंगे कोई मतलब नहीं। एक दुकानदार एक वस्तु के मूल्य में 30% बढ़ाकर अंकित करता है, उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है, इस प्रकार उसके कुल इनकम पर, कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ता है। वैसे वृद्धि होगी तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यही आपको बताना था। बताइए, बहुत ही आसान तरीका है कि भैया जी जब हमने क्या किया, हमने और आपने क्या किया कि जो मानव जिसकी इनकम थी वो नहीं पता, तो पहले उसकी क्रय मूल्य जो थी वो मानो 100 था, क्या था 100 मान लिया। अगर हम 100 मान लेंगे तो 100, अब उसकी जो इनकम थी, जो उसकी मूल्य था, उसने कितना बड़ा अंकित किया 30%। उसने क्या किया, उसके मूल्य में 30% बढ़ाकर अंकित किया, तो क्या करेगा 130। उससे बिक्री कितनी बढ़ गई 20%। अब आप लोग हल करके, अब सभी लोग इसको हल करके बताइए, जो भी लोग लाइव देख रहे हैं हल करके बताइए। अब तो उम्मीद करते हैं कि आप हल कर लेंगे। अब तो आप इसे आसानी से हल कर पाएंगे, ऐसा नहीं कब आप हल ना कर पाए सभी लोग। तो यहां पे देखिएगा, ये जीरो, ये दो लड्डू कट गए। माने हमने और आपने ये देखा कि हाँ ये जो 100 है ये 100 से कट गया, ठीक। नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत आ रही है क्या, ठीक है। ये लड्डू इससे कट गया, ये लड्डू इससे कट गया, फिर 13 × 12 करेंगे 156 है। ये 100 से कम है ज्यादा, आपने कहा सर ज्यादा, कितना ज्यादा है 56%। इस प्रकार दिए गए प्रश्न का उत्तर होगा वो 56। क्लियर, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आप हो सकते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने सीखा, इस तरह का जो प्रश्न था उसे हम लोगों ने आसानी से हल कर लिया, आसानी से उसके बारे में जान लिया कैसे इसको हल किया जाता है, कैसे इस तरह के प्रश्नों को लगाया जाता है। अब इस प्रश्न को और भी तरीके से लगाएंगे हम लोग, और कई तरह के इसमें तथ्य को जोड़ेंगे। तो यहां तक समझ में आ गया, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएं कि क्या यहां तक के तथ्य आप लोग को समझ में, क्या यहां तक जो आप लोगों ने पढ़ा क्या वो आपको समझ में आया। अगर आ गया हो तो फिर हम लोग आगे बढ़े। बताइए, चलिए लिखिएगा, प्रश्न लिखिएगा। एक दुकानदार ने
सामान खरीदते समय 10% की ठगी की, 10% की ठगी की तथा सामान को बेचते समय भी 10% की ठगी। इस प्रकार उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस प्रकार उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिए, जो लोग भी लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें सभी लोग जो लोग भी लाइव देख रहे हैं। इस प्रकार उसकी जो इनकम है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फटाफट कमेंट कर बताइएगा जो लोग भी लाइव देख रहे हैं क्लास को, फटाफट जवाब दें। देखिए एक दुकानदार सामान खरीदते समय 10% की ठगी करता है और जब बेचता है फिर 10% की ठगी करता है, तो इस प्रकार उसकी जो इनकम उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे इसको हल करने के लिए कि जो भी दुकानदार है सामान कितने का लाता नहीं पता, माना 100 का लाता है, 100 तो ही चलेगा, 100 तो मैं मान के पढ़ना है, पूरा पूरी कहानी में 100 में ही पढ़नी है, तो यहाँ क्या करेंगे मानो 100। जब वो 10% की ठगी कर सामान खरीदते समय, अगर सामान 100 का है तो कितने में लाएगा, 90 में लाएगा, तो कितना बचाएगा, वो 10% बचाएगा। तो जब 10% ठगी करता है तो दुकानदार को 10% का लाभ होगा, हुआ ना। जैसे अगर कोई सामान 100 रुपए का था, अगर आपने ठगी किया इसका मतलब सामान सस्ता लाया, जब सस्ता लाया तो पैसा क्या होगा आपका, बच गया, तो यहाँ पे वो 10% क्या होगा, लाभ होगा आपका 110 बटा 100, क्या होगा वो 110 बटा 100। जब बेच रहा है फिर ठग रहा है तो दुकानदार दो कंडीशन में लाभ ले, एक तो जब सामान बेचते समय, दूसरा सामान को खरीदते समय। क्लियर, जब दो बार वो लाभ अर्जन कर रहा है, वो दो बार लाभ ले रहा है, मैंने एक बार सामान बेच रहा है तब, और एक बार सामान खरीद रहा है तब, मैंने फिर वो लाभ ले रहा है। यहाँ पर हमने देखा कि दुकानदार जो लाभार्जन है वो दो बार कर रहा है, एक बार तो सामान खरीदते समय कर रहा है, लेकिन दूसरी बार वो उसे जब बेच रहा है तब भी लाभार्जन कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे दो कंडीशन से लाभ हो रहा है और वो भी 10% का, तो भैया माना 100 था, 10% लाभ 110 बटा 100, फिर 110 बटा 100, तो दो कंडीशन से लाभ हो रहा है, और दो कंडीशन में लाभ होगा क्या करेगा, ये दो लड्डू से कट गया, ये लड्डू इससे, ये लड्डू इससे, 11 × 11 करेंगे 121, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 100 से कितना ज्यादा, यहाँ पे दुकानदार को प्लस 21% का, क्लियर, यहां से कोई दिक्कत कोई समस्या, जो भी लाइव देख रहे हैं चलिए आगे लिखिएगा सभी लोग, जो लोग भी लाइव देख रहे हैं सवाल लिखिएगा। एक दुकानदार एक वस्तु के मूल्य को दोगुना कर देता है एक वस्तु के मूल्य को दोगुना कर देता है, जिससे उसकी बिक्री आधी हो जाती है, तो बताएं कि दुकानदार के आय पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। दुकानदार एक वस्तु के मूल्य पर दोगुना कर देता है, वस्तु का मूल्य अगर दोगुना कर देता है, इस प्रकार उसकी जो कुल
इनकम होती है अंत में, उस पर क्या फायदा होगा, घाटा होगा, फायदा होगा कितना परसेंट का, घाटा होगा मानी कितने परसेंट का उसका व्यापार, कुल व्यापार प्रभावित होगा, यही आप लोग को पता है कमी का। जो लोग भी लाइन देख रहे हैं उन्हीं लोग को बस इतना ही पता ही, सभी लोग फटाफट कमी कर दिया। हल करिए सभी लोग, कोई फॉर्मूला नहीं यूज करना है, मैंने शुरू से ही आपको बताया कोई फॉर्मूला आपको नहीं यूज करना है। ऑनलाइन क्लास नोट्स के लिए आप इलेनी विद दुर्गेश पे जुड़े गए, फेसबुक पेज इलेनी विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम ट्विटर इलेनी विद दुर्गेश। इस प्रश्न का जवाब तो दीजिए आप लोग, सभी लोग कमेंट करके जवाब दें। एक वस्तु के मूल्य को दुकानदार ने दोगुना कर दिया, उसकी बिक्री आधी हो जाती है, इस प्रकार उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बस प्रश्न कितना आसान है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कोई सूत्र नहीं यूज करना है, कोई फॉर्मूला नहीं यूज करना है। आइए इसको हल करते हैं और कुछ यहां से सीखने का प्रयास करते हैं। जब कुछ नहीं पता होता तो वस्तु का मूल्य जो था वो माना हमने 100, वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो माना हमने 100 था। अच्छा, वस्तु का क्रय मूल्य 100 था तो दुकानदार ने वस्तु के मूल्य को दोगुना कर दिया। हर वस्तु अपने आप में 100% होती है, दोगुना कर दिया कितना हो जाएगी, 200%। फिर अगली कंडीशन आती है, अब कह रहा है कि वह उसकी बिक्री आधी हो जाती है। बिक्री क्या होता है, आधा हो जाता है, आधा हो जाएगा मतलब कितना, 100 का आधा करेंगे तो 50। अब इसी को आपको हल करना है। अब कैसे हल होगा, ये दो लड्डू से कट गया, क्लियर, यह दो लड्डू, यह दो लड्डू से 2 × 5 = 10 माइनस 100%, पहले भी 100% था और अब भी 100%, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्लियर, समझ में आपको, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, माने उसको लाभ होगा ना हानि होगा, सामान बिकेगा खाली, क्लियर, ये आप लोगों को समझ में आया, बताइए कोई दिक्कत कोई समस्या, सभी लोग फटाफट कमेंट करें जवाब दें, समझ में आ गया ना आप लोग को। चलिए एक प्रश्न और लिखिएगा, यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा माने प्लस माइनस 0%, कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आगे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न लिखिएगा, एक एक हलवाई मिठाई के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दे, 25% की वृद्धि कर दे तथा उसकी जो खपत है उसमें 20% की कमी हो जाती है। एक हलवाई मिठाई के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दे जिससे उसकी खपत 20% की कमी आती है, तो उसके आय पर, उसके इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आप लोग को बताना है, यह आप लोग को समझाना है हमें। और अगर आप बताने समझाने में कामयाब हो जाते हैं इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसका मतलब जो हमने पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया, इसका बात एकदम क्लियर, ठीक, फटाफट कमेंट करिए, कमेंट करके चलिए बताइए फटाफट, सभी लोग जितने लोग लाइव हैं, भाई मिठाई का जो हलवाई था पहले 25% मूल्य बढ़ा दिया और जब बढ़ाया तो क्या रहा, उसकी जो बिक्री थी जिसकी खपत
वो 20% की कमी, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? फटाफट जवाब दीजिए। और ऑनलाइन क्लास के लिए आप लोग 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास संबंधित जो भी जानकारी है ले सकते हैं। हम नोट्स कैसे मिलेगा, पीडीएफ नोट्स कैसे मिलेगा, ठीक ये। और साथ ही साथ टेलीग्राम पे जुड़िएगा, दुर्गेश सर सर्च करिएगा। जब दुर्गेश सर आप सर्च करेंगे तो आपको ई लर्निंग पे दुर्गेश आएगा, ई लर्निंग पे दुर्गेश पे जुड़िएगा। और फेसबुक पेज ई लर्निंग पे दुर्गेश, इंस्टाग्राम ई लर्निंग पे दुर्गेश, ट्विटर, किसी भी सोशल नेटवर्क होंगे ई लर्निंग पे दुर्गेश से जुड़े रहिएगा। आपको आइए इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे और हल करके भी बहुत कुछ सीखेंगे। किराए की जो वस्तु था हलवाई की मिठाई थी, तो मिठाई क्या थी? 100% अपने आप में कुछ नहीं पता, तो माना उसका जो मूल्य था वो 100%। अब हलवाई ने कितना मूल्य बढ़ाया? 25, क्या हो गया 125 बटा 100। फिर बोली उसकी खपत कम हो गई कि बढ़ गई? कम हो गई। कितना? 20%। तो 20% खपत कम होगी, क्या हो जाएगा? 80 बटा, ठीक। अब ये लड्डू ये दो लड्डू से कट गया, 20 चौके 80 20 50 100, 5 से काटेंगे 25, तो 25×4 यहाँ पे बचा 100। पहले भी 100% था, अब भी 100% है, तो न लाभ होगा न हानि, माने 0% का, नो इफेक्ट, यहाँ पे कोई इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दुकानदार की इनकम पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने लोग इस वीडियो को लाइक देख रहे थे उन सभी के कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो चुके होंगे। अगर अभी भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं हुए हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा, कमेंट करके आप हमें पूछिएगा, हम आपके सभी प्रश्नों का जवाब देंगे और हम ये स्पष्ट करेंगे कि कैसे आपको इन प्रश्नों को हल करना है, कैसे आपको बेहतर स्कोर करना है। आप मेहनत करेंगे थोड़ी सी तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, जो सारे थियरियाँ हैं, ये पूरी तरीके से ये क्रम में क्लियर होती चले। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट है, तो इस तरह के जो प्रश्न आते हैं वो बिना नियम बिना सूत्र के लगाए जा सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने मेरी काफ़ी लंबी क्लास ली होगी, आज ऐसा नहीं पहला दिन आपने लिया होगा, आपने एक बात सीखा होगा कि गणित वास्तव में आसान है, गणित वास्तव में आसान है। अगर हम लोग एक प्रथम दृष्टि अगर इसको देखें तो गणित जितना आसान कोई अध्याय न हमें मिलेगा न आपको। और जब यह बात विदित है, यह बात स्पष्ट है कि गणित इतना आसान है, तो फिर हम और अभी तक पीछे क्यों हैं? हम आपको भी तो आगे आना चाहिए, ठीक है? तो आप लगाइए, पढ़िए, अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारी टीम आपके साथ है, ठीक। क्लासेज आपको देर सवेरे मिलती रहेंगी, हम लोग अपना बेस्ट देंगे, आप भी अपना बेस्ट देंगे, सफलताएं आपके कर्मों में। इसी के साथ तो अब आज के जो पैटर्न का टॉपिक था वो पूरी तरह से खत्म हुआ। अब हम लोग अगले दिन अगले पैटर्न के अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। ये पैटर्न, ये टॉपिक आपका खत्म हुआ, क्योंकि अगर एक टॉपिक को अब इतना तरह से लगा लेंगे तो परीक्षा प्रश्न कितना भी घुमा कर क्यों ना आए, आप उसे आसानी से हल कर लेंगे। हमारा उद्देश्य आपका सिलेक्शन दिलाना है, इसलिए जब भी हम जो पढ़ाते हैं हमारा उद्देश्य होता है एक एक दिन में एक एक टाइप का टॉपिक हल करिए, क्योंकि गणित उतना भी आसान नहीं है जितना हम मानकर बैठते हैं, उतना सरल भी नहीं है जितना भी पढ़ के हमने सोच लिया। हमें गणित की भाषा को डिकोड करना है। अगर आप गणित की भाषा को डिकोड करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम बिना किसी किताब के, आपको विश्वास नहीं होगा, हम बिना किताब के संपूर्ण मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। लेकिन उसके लिए हमने पूरी गणित की भाषा को समझा, किताबी भाषा को समझा। परीक्षा हाल में जब हम बैठते हैं तो आप पे सबसे बड़ा डर ही होता है कि गणित तो कैसे पढ़ें, गणित तो कैसे हल करें। उसके लिए डरिए मत, उसके लिए परेशान ना होइए, उसके लिए हम आपके साथ, हमारी टीम आपके साथ, हम अपना बेस्ट देंगे। आप भी अपना बेस्ट देते हैं तो हम सफलता के लिए आप सभी के साथ रहेंगे, और तब तक जब तक आप अंतिम रूप से चयनित ना हो जाए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को। इस प्रश्नों के स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, उम्मीद करते हैं इस तरह के सवाल कभी गलत नहीं होंगे। अगर आपको लगता है कि इलेनी बद्रगे से गणित आपको समझ में आती है, सबसे पहला काम वीडियो को शेयर करना शुरू करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, लोगों को बताइएगा। एकदम आसान मेथड से इससे सरल मेथड तो हो ही नहीं सकता जिससे मैं आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से समझा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।